दोस्तों, मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का जानकारी चाहिए, जैसे कोई चीज़ कैसे बनाए, कोई स्कॉलरशिप या कोई पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको किसी सलाहकार का जान से मिलना होता है, उनसे कॉन्टेक्ट करना होता है, या किसी यूट्यूबर से उनको कॉमेंट करना होगा, उनसे जानकारी लेना होगी इस योजना का हम लाभ कैसे ले सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, इस तरह के आपके बहुत सारे प्रॉब्लम आपको होता है कि कोई भी योजना, कोई भी पेंशन या कोई भी लोन, किसी प्रकार की सुविधा के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, कहाँ जमा करना होगा, ये सारा चीज़ आपको पता करना होगा, जिसमें आपको बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी आप जानकार से पूछते हैं, कभी कोई यूट्यूबर से पूछते हैं, कभी किसी वीडियो पर कॉमेंट करते हैं, कॉमेंट के अलग अलग तरीके से किसी को फ़ोन करके जानकारी ले, अलग अलग तरीके से आप जानकारी लेते हैं कि इस योजना का लाभ हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ जमा करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है सहज तिकनोक योजना। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से आपके लिए कौन सा योजना अभी चल रहा है और आपको कौन सी योजना की जानकारी चाहिए, उस योजना में कौन सा फॉर्म लगेगा वो फॉर्म भी मिलेगा, उस फॉर्म के साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाना वो भी मिलेगा, कहाँ जमा करना है वो भी मिलेगा। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई होता है तो उसका लिंक भी आपको दिया जाएगा, उस लिंक से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आगे बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मंत्रा का बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस से EKYC कर सकते हैं ई लाभार्थी का। यहाँ भी आप स्टेटस चेक कर सकते ई लाभार्थी का, आपने जो KYC किया था वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। इसी तरह का मैं जानकारी आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए मेन मुद्दे पाते, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, सहज तिकनोक योजना .bihar.gov.in पे आपको आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लोकेशन पे क्लिक करना है और आपका जो भी जिला होगा जिला सेलेक्ट कर लेना है। जिला पे क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह का। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा था, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया जाएगा। तो उसके बाद आपसे कुछ डिटेल जैसे कि नाम वगैरह आपसे मांगा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अकाउंट बना लेना है। जब आप इस पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पे साइन इन करके आपको सबसे पहले लॉग इन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया होगा रजिस्टर करते वक्त, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे आप पासवर्ड वगैरह फिलअप करने के बाद लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला है डैशबोर्ड, एक लॉगआउट हो चुका है, मतलब इसका मतलब ये हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है पोर्टल आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश पोर्टल में, आप किस भाषा में अपने पोर्टल को देखना चाहते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे करते हैं। अगर आप इसका मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड यहाँ ऐप है, यहाँ पे डाउनलोड ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पर डायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके एंड्रॉयड ऐप इनका डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पे यूज करने का तरीका सेम ही है, ठीक है। और ये नीचे आएंगे, यहाँ पे कह रहा है स्कीम फॉर यू, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का एक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पे अपना डिटेल आप देंगे, अपना डिटेल दे के यहाँ पे चेक करेंगे आपके लिए अभी आपके लाइक अभी कौन सा योजना, कौन सा लोन, कौन सा सुविधा अभी गवर्नमेंट दे रही है। और यहाँ पे सभी स्कीम आपको दिखाई, यहाँ पे आपके लिए कौन योजना और यहाँ पे टोटल योजना कौन सा अभी गवर्नमेंट की ओर से चल रही है। और यहाँ पे आप किसी योजना को सर्च करके उसका डिटेल निकाल सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फॉर्म है, कहाँ जमा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने हमारे लिए और आपके लिए क्या अभी योजना चल रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पूछा सेलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पूछ ला अपना मेल या फीमेल जो है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद क्या आपकी एज क्या है, किसके बीच में, अगर आपकी एज 18 से 21 के बीच में आ रही तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर 15 से 18 के बीच में आ रही वो सेलेक्ट करेंगे, जिस अगर 21 से 60 के बीच में आ रही तो ये सेलेक्ट करेंगे, अगर इसके अलावा आ रहे तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा 18 से 21 के बीच में आ रहा है हमारा एज, तो ये सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद पूछ रहे आपका धर्म कौन सा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैन सिख सभी धर्म है, तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहे क्या आप विकलांग वगैरह हैं, वो यस या नो आप कल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक, अगर आप विकलांग में यस सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा किस टाइप का विकलांग है, क्या परसेंटेज वगैरह आपको वहाँ से पूछा जाएगा। यहाँ पे कह रहा आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े, वो सब आपको यहाँ पे दे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे अभी आप किस पे डिपेंड करते हैं, अभी आपका जीवन जो किस पे चल रहा है, माता पे पिता पे, यानी कि आपका जो अभी परवरिश चल रहा है, आप जो अभी ठीक है बना रहा है, तो यहाँ पे आपको वो सेलेक्ट करना है आप किस पर निर्भर हैं, तो वो फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है आपके फादर क्या करते हैं, लेबर है, सेल्फ एम्प्लॉयर है, अनएम्प्लॉयर है, प्राइवेट सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट योर इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पे कह रहा है आप APL है या BPL, वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट योर एरिया ऑफ रेसिडेंट, यानी आप अर्बन में रहते हैं, आप रूरल में, कहाँ आपका घर है, तो उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहा है आपका फैमिली का एनुअल इनकम क्या है, 0 से 1 लाख के बीच में है, तो ये सेलेक्ट करेंगे। और सभी तरह की यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ हाउस ऑनर्ड बाय योर फैमिली, यहाँ पे कह रहा है आपका घर जो कौन सा है, कच्चा घर है या पक्का घर है, तो कच्चा हाउस पक्का हाउस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना, वो जो सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर ले, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक कच्चा सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जो मैंने डिटेल दिया उस डिटेल से जो सर्विस मैच करता है, जो भी गवर्नमेंट की योजना अभी मैच कर रही है, तो वो हमें यहाँ पे दे दिया कि आपके लिए अभी ये सब योजना गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं, जिसमें एक पेंशन है, एग्रीकल्चर है, सोशल सर्विस है, एडुकेशन है, इसी तरह के सभी तरह के बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, हेल्थ, मेडिकल, हाउसिंग, ठीक है। इसी तरह की मान लीजिए अगर आपको पेंशन योजना चाहिए या किसी भी तरह की योजना चाहिए, तो पेंशन पे योजना चाहिए, पेंशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके लाइक अभी यहाँ पे दो पेंशन योजना, एक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना, इसके बेनिफिट की जानकारी के लिए यहाँ पे नो मोर पे क्लिक करेंगे, इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अटल पेंशन योजना के बारे में चेक बेनिफिट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा। जैसे मैंने इस योजना के बारे में चेक बेनिफिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिर से यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये योजना हमारे लिए, हमारे एलिजिबिलिटी के लिए नहीं है, ठीक है। इस तरह अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पे देखिए एक एडुकेशन है, तो एडुकेशन भी क्लिक करते हैं। हमारे लिए यहाँ पे अभी 2 स्कॉलरशिप भी शो कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, जो आप देखना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जैसे मेरिट अवार्ड है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप, मेरिट अवार्ड, लोन, यहाँ पे फ्री कोचिंग, बहुत सारे आपको फ्री कोचिंग वगैरह मिल जाएंगे। तो मेरिट अवार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी हमारे लिए दिखा रहा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, योजना हमारे लिए अभी शो कर रहा है इस योजना के लिए हम एलिजिबिलिटी है अभी। तो यहाँ पे इस योजना के लिए यहाँ पे कह रहा है यू हैव पास्ड क्लास 12, यानी कि इसके लिए आपको क्लास 12 पास होना जरूरी है, तभी आप इसका लाभ ले सकते। यहाँ पे मैं यस करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट एग्जामिनेशन बोर्ड, उसके बाद कह रहा है आप कौन सा बोर्ड से, 12वीं पास के स्टेट बोर्ड से, या अगर आप बिहार स्टेट बोर्ड से किए हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। मदरसा बोर्ड से किए तो मदरसा सेलेक्ट करेंगे। तो उसके स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपका डिवीज़न क्या, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इस योजना के लिए कितना आपको मिलने वाला है, यहाँ वन टाइम, यानी कि एक बार आपको इसके लिए 15,000 रुपये मिलने वाला है। इसके लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस योजना के लिए योजना के नाम और इस योजना के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला, डोमेस्टिक सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय लगने वाला, मार्कशीट लगने वाला, और यहाँ पे रिलीजन सर्टिफिकेट लगने वाला मतलब जाति प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपको एक या आप जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते, नहीं तो यहाँ अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट आपका पास है तो दे सकते हैं, तो ये खाली छोड़ते, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद ये तीन डॉक्यूमेंट आवासीय,
और मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, ये तीन डॉक्यूमेंट लेंगे। और इस डॉक्यूमेंट को आप अप्लाई क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मैनेटरी वेलफेयर ऑफिस यानी कि जिला कल्याण कार्यालय में आपको इसको जमा करना होगा। तब वहाँ से आपको कुछ दिन में आपको पेमेंट जो होता है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो कि 15,000 रुपये आपको भेज दिया जाता है। तो इसी तरह आप दूसरी योजना के भी बारे में जान सकते हैं, आपके लिए कौन सी योजना अभी चल रहा है, उस योजना के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ अप्लाई करना होगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक यहाँ पे दिखा देते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए अभी क्या हमारे पास है। यहाँ पे स्मॉल बिजनेस के लिए PMEGF है और एक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे चेक बेनिफिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आप क्या करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो डिटेल आपसे मांग रहा है वो डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है इस योजना के तहत आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगे, कहाँ अप्लाई करने के, यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई भी क्लिक करेंगे। इसके लिए आप देखिए ये ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाला ये सब आपको यहाँ पे दिखा रहा है, उसके लिए आप प्रोसीड टू अप्लाई भी क्लिक करेंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई तभी लेगा जब इसका डेट रहेगा, ठीक है। अगर ये क्लोज हो जाएगा तो डेट ये नहीं लेगा, ठीक है। तो फिर इसी तरह की सभी तरह की योजना के लिए आप पता कर सकते कौन से योजना के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या फॉर्म लगने वाला है, और किस फॉर्म और कौन सा फॉर्म वो कहाँ जमा करने वाला, और उस इसी तरह जो भी जानकारी जो भी योजना के बारे में डिटेल निकालना निकाल सकती है गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहाँ पे सोशल सर्विस भी आपको मिल सकता है, मिल जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इसका क्या बेनिफिट है और क्या आपको लाभ मिलने वाला वो मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर हैंडीक्राफ्ट प्लस राजीव गांधी स्लीपिंग स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ भी बहुत सारी की आपको योजना के बारे में जानकारी मिलता है, किस योजना के लिए क्या डॉक्यूमेंट क्या चीज़ चाहिए, कहाँ अप्लाई करना हो, इसके सुविधा मिलेगा बहुत लोगों को। और यहाँ पे सभी स्कीम दिए गए, यहाँ तो आप अपनी डिटेल से अपना स्कीम निकाले कि आपकी लाइक कौन सा स्कीम है, और यहाँ पे सभी तरह के स्कीम को आपको देखने को मिलेगी लिखी है। तो यहाँ पे सभी स्कीम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको एक मैं आपको दिखा देता हूँ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो कि 6,000 रुपये पर ईयर मिलने वाला है, हर 4 मंथ पे 2,000 रुपये इसमें मिलता है, ये आप जानते ही होंगे। यहाँ पे अगर किसी योजना के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उस योजना को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको सभी उस टाइप के सभी योजना को जो आप सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। यहाँ पे आयुष्मान भारत के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैसे करना हो, कहाँ जमा करना होगा, किसके लिए, वो सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे टोटल आपको मिलने वाले हैं योजना के बारे में, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कहाँ अप्लाई करेंगे मुख्यमंत्री, उसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, एलोक के लोक सेवा आयोग, यानी कि सभी तरह के यहाँ पे आपको मान लीजिए बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएं सेंटर से या स्टेट से। तो यहाँ पे मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ क्या आता है। तो यहाँ मैंने ओबीसी सर्टिफिकेट सर्च किया तो ये नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आप योजना के बारे में ही जानकारी ले सकते हैं, गवर्नमेंट योजना के ही बारे में, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिले। दोस्तों गवर्नमेंट की ये कदम आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी सर्विस ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है उसका आपको एक बड़ा लिंक भी दिया जाता है, उस लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर वो सर्विस वो योजना ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के लिए क्या डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना, तो वो सब आपको इस वीडियो में आपको बता दिया गया है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो अगर इस वेबसाइट को आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में क्लिक करके आप वेबसाइट को हिंदी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये देखिए फटाक से हिंदी में कन्वर्ट हो चुका, इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में खत्म हो चुका। और यहाँ पे इसके बारे में जानकारी लेंगे तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे ये दे रखे हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ फिर एक नई वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।